ॐ जय कृष्णाय नमः जगतारक है चरणों में नमो नमः ॐ जय गुरुदेवाय नमः भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते स्वामी कृपा है करते झोलियां है भरते ॐ जय गुरुदेवाय नमः। जब धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में भगवान राम भगवान कृष्ण को भी बुलाया गया, भगवान कृष्ण पूछे कि भाई सेवा का सब लिस्ट बन गया है? तो हाँ, देखा, सब लिस्ट देख लिया। तब नीचे अपना एक नाम लिख दिए कृष्ण और अपना काम लिख दिए। धर्मराज पढ़े, कहा कि क्या लिख दिए भगवान? कहा कि अरे यार, जो अतिथि आएंगे उनका पैर धोने का काम नहीं बांटा है, और पतल जो है जो अतिथि खा लेंगे उनका पतल उठाने का काम नहीं दिया है ना, तो हाँ यह काम हम अपना लिख लिए। जो भी अतिथि आएंगे, साधु महात्मा आएंगे, अतिथि आएंगे, उनका हम पैर धोएंगे, अपना पीताम्बर से उसको पोछेंगे, पीताम्बर भी हमारा पवित्र होगा, और सबका जूठा उठाएंगे और झाड़ू देंगे, यह अपने नाम पर लिख दिए। धर्मराज युधिष्ठिर कह कि आप कुछ समझ में आता है? कहा कि तुम ही समझा दो। कहा कि आपका पैर का पूजा हुआ है, आप सर्वश्रेष्ठ हो गए मेरे कुल के। कहा कि अच्छा, सर्वश्रेष्ठ हो गए? हम नहीं समझ रहे थे। देखो यह माने मान नहीं है जरा भी, यह सब तुम सबसे छोटा काम समझ रहते हो, यह जो है काम भगवान कृष्ण अपने पले लिए, और यही काम जो है सरदार लो देखो अपने काम ले लिए हैं अपने जिमा। जाते हो किसी गुरुद्वारा में तो जूता साफ करते हैं ना, पतल साफ करते हैं ना, यही काम ले लिए। इससे बड़ा तपस्या क्या होगा? यह तपस्या है, यह भगवान कृष्ण काम ले लिए। तहलका मच गया कि क्या काम, तो नौकरों के लिए काम छोड़ा गया है। कहा कि यह अवसर कब मिलेगा, फिर कब महात्मा लोग आएंगे, कब अतिथि होगा, कब इतना बड़ा यज्ञ होगा, और कृष्ण को सेवा का अवसर कब मिलेगा, यह अवसर मुझसे मत छीनो। और जानते हो पूरे यज्ञ काल में यह काम वो अपने ही अकेले किए। फिर कहे कि धर्मराज युधिष्ठिर का तो नौकर चाकर का पैसा भी बच गया। देखो इसलिए यह मान, हम लोग अक्सर कहते हैं यह हिंदू में बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ा हूँ काम नहीं ना करूँगा, है ना जी। एक बार गुरु गोविंद सिंह भी जा रहे थे, कहे कि जरा कोई अपने पवित्र हाथ से मुझे पानी पिलाओ। एक जमींदार का लड़का दौड़ा और चांदी के गिलास में पानी लेकर गया, यही बात है ना जी। पानी लेकर गया, गुरु गोविंद सिंह कहे क्या करते हो बच्चे, तुम्हारे हाथ बड़ा सुकुमार है। हाँ मैं जमींदार हूँ ना, मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे घर नौकर चाकर है ना। कहा कि यह तब जब तुम काम ही नहीं करते हो बच्चा, तुम्हारा हाथ पवित्र कैसे हुआ? जिन हाथों से सेवा नहीं हुआ, जिन से मन से सुमिरन नहीं हुआ, जिस धन से दान नहीं हुआ, वह पवित्र कैसे हुआ बच्चा? तुम्हारा हाथ पवित्र नहीं है, इसलिए पवित्र हाथ से मैंने कहा। जिन हाथों से सेवा होता है वही हाथ पवित्र होता है ना। देखो वही बात कबीर साहब कह रहे हैं, वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वही बात नानक कह रहे हैं, वही बात तुम्हारा दर्शन कह रहा, वेद कह रहा है। इसलिए सूक्ष्म रूप से है मान, यह अपना अहंकार हम लोग मिटाना चाहिए कि हम यह हैं, हम यह हैं। बस सेवा का, सुमिरन का, दान का जो अवसर मिले उसे चुकना नहीं चाहिए। तुरंत कहो कि हमको गुरु की कृपा हो गई, गोविंद की कृपा हो गई, यह अवसर हमको उपलब्ध हो गया, इस अवसर का फायदा उठा लें। अब चुक जाएगा फिर कब आएगा? जरूरी नहीं कि हम यहाँ आए हैं, तुम जितने लोग आए हो पुनः आओ। ये जरूरी नहीं कि वह तिथि मिले, मुहूर्त मिले, नक्षत्र मिले, आदमी मिले और तुम्हारे धन का उपयोग हो, तुम्हारे शरीर का उपयोग हो, आपके मन का उपयोग हो, यह जरूरी नहीं है। यह अवसर मिलता है, यह परमात्मा देता है, हम लोग अवसर खो देते हैं। जिसमें क्षमता रहती है गया हुआ अवसर ले लेता है,
देखो भगवान कृष्ण अवसर ले लिए। तब कहते हैं कि हरक शोक निंता तजय कहे कबीर संत जान। कहते हैं जिसको हर्ष न हो, तू माला पहना दिया बहुत खुश हो गया, स्तुति कर दिया शोक, कहा कि उसे कोई असर नहीं पड़ रहा है, शोक न हो, तुम गाली दे दिए उसे कोई शोक भी नहीं हो रहा है, हम आए हैं तुम यहाँ पर खिला दो तो ठीक है, नहीं खिलाया भाग जाओ बाबा हम नहीं खिलाएंगे, ठीक है बच्चा तुम्हारा मंगल हो, वो बाबा श्राप नहीं देगा कि तुम्हारा मंगल हो, भाग जाओ बाबा, बाबा भाग भाग, कहा कि बाबा तुम्हारा मंगल हो, मैं भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ लेकिन तुम्हारा मंगल हो। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि। मंगल मंगल की कामना की गई है, भगवान मंगल है, पुंडरीकाक्ष मंगल है, आंगन मंगल है, तनहरी सब मंगल, सब मंगल। इसे संत कैसे अमंगल, वह भी अमंगल ही होता है। इसलिए कहते हैं आके हरख शोक, हरख नहीं है खुशी नहीं तुम्हारे का, शोक नहीं इसलिए कोई निंदा भी नहीं है, तुम्हारी कोई निंदा शिकायत नहीं करेगा। तुम जानते हो कि बाबा आएंगे नहीं खिलाएंगे दक्षिणा नहीं देंगे तो निंदा करेंगे, कोई निंदा नहीं करेंगे, जाएंगे तो कहेंगे बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा अच्छा आइए मंगल है मंगल है। निंदा यह देखो लक्षण बताया गया है, कहे कबीर संत जान, कहा कि इतने लक्षण जो है कबीर साहब कहते हैं यही संत है। आप लोगों को बस यह दो ही सुनाए और चलते चलते हमने जो दीक्षा दिया है माँ बाप पर दिया है कि माँ बाप का पहला सेवा करो, माँ ही तुम्हारे लिए ब्रह्मा है, पिता ही तुम्हारे लिए विष्णु है, यह से शुरू किया था और एक छोटी सी घटना का करके हम अपनी बंद कर दिए पोथी। अब लेखो ये भी बंद कर देते हैं और हाँ सुनेगा गुरु जी और बढ़ाएंगे नहीं, एक छोटी सी बात कह देते हैं इसको ले जाओ, क्या बात कहेंगे, एक माँ की वेदना कह देते हैं। एक माँ अपने लड़के को पढ़ाती थी और जब लड़का उसका स्कूल जाता था तो जाकर देख आती थी, दिन भर में दो बार तीन बार देख आती थी, कुछ दे आती थी, मिडिल स्कूल के जो जाते हैं ना माँ, लड़के जो उसके रिझाते थे कि तुम्हारी माँ देखो काली कलूटी है या कांख वाली है, आते रहती है, उसको खराब लगता था, कहते माँ तू काली कलूटी है ना तो हाँ बेटा, ये कांख वाली है ना तो हाँ बेटा, तू मत आओ, लड़के रिझाते हैं, लेकिन माँ तो माँ है क्या करे। लड़का पढ़ने में तेज हुआ, हाई स्कूल में गया तो हाई स्कूल में भी दूर चल जाते थे, माँ उसकी चली जाती थी, छिप कर देख आते थे, लड़के जानते हुए एक बदमाश होते हैं देख लेते थे, कहते कि देख तुम्हारी माँ क्वालिटी आई है, कानी आई है, कानी आई है, बड़ा लगता था, घर आकर फिर माँ को डांटता था, हड़काता था, माँ तुम हमारी इज्जत नहीं है, पढ़ने नहीं देगी, तू ये कांख वाली है ना, काली है, क्यों जाती है, कहे कि बेटा मैं माँ हूँ, रहा नहीं जाता है तुमको बिना देखे, चली जाती हूँ, लेबर मजदूरी करती थी, पिता नहीं थी, पिता नहीं था, विधवा थी, पढ़ाती थी लिखाती थी। लड़का कॉलेज में गया, हॉस्टल में रहने लगा, अब हॉस्टल में भी छिप कर जाती थी, गेट वेट पे होकर देख आती थी, कुछ खाना का सामान दे आती थी, अब बड़ा लड़का हो गया, हॉस्टल में बीए में पढ़ रहा है, सब लड़के कहते देखे देखो तुम्हारी माँ है, कानी आ गई, फिर लड़का बड़ा डांटता था, समझाता था, माँ हमारी इज्जत नहीं रहने देती है, तुम कहते कि बेटा तुम्हारा इज्जत बरकरार रहे, भगवान करे आगे बढ़ो, लेकिन मैं माँ हूँ का करूँ, तुमको बिना देखे मन नहीं मनता है बेटा। बेटा पढ़ने में तेज निकला और जान समझा, संजोग से समझ लो कि वह जो है आईएएस कर गया और डीएम बन गया। अब डीएम बन गया तो माँ से मिलेगा, डीएम बन गया, जिलाधिकारी बन गया, लव मैरिज कर लिया। वह सुनती थी कि हमारा लड़का जो है फलाना जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया है, शाहजहानपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया है, पटियाला का हो गया है, कहाँ हो गया है, सुनती थी, लेकिन अपने लड़के को देखना चाहती थी, क्या करे कैसे जाए, पता लगाते लगाते एक दिन चली गई, गेट पर खड़ी हो गई, वह माँ खड़ी हो गई, कैसे कही कि डीएम साहब को जरा बुलाओ हमको मिलाओ, गेट पर खड़ी थी, गार्ड पूछ रहा है क्यों खड़ी है पीछे, भिक्षा आगे ले लो, यह डीएम का कोठी है, डीएम का क्या नाम है, फलाना कुमार है, कहा कि हाँ हाँ बेटा, बस कहकर रोने लगती थी, बहुत हटाता था, समझाता था, नहीं मानती थी, गेटवे पर खड़ा हो जाती थी, कभी गाड़ी से निकलेगा कार से निकलेगा मैं देख लूँगी चली जाऊँगी, फिर जो है वो नहीं हटा,
दया आया सिपाहियों को, जाके मेम साहब से कह दिया डीएम के पत्नी से। डीएम की पत्नी आई, कही कि अरे बुढ़िया लो 5-10 भाग, कहाँ खड़ी है? अशुभ रूप लेकर के, एक कानी रूप नहीं देखती है, काली कलूटी एक कहाँ की कानी, सौम्य काना हजार में सुना, कैसे कहते हो 1.25 लाख में चाहता ना। वो बेचारी चुप थी, रोती रही थी, रो रही थी, लेकिन कह रही थी कि यो हमारी पतोहू है, अंदर से खुश भी हो रही थी। एक लड़का भी निकला, कहा कि ओ हो हमारा ये नाती है, बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन नाती कह रहा था अपनी माँ से कि माँ हाउ मच डर्टी सी इज, अंग्रेजी में बोला था कि हाँ गंदे हैं ये लोग, गंदे लोग हैं, देहाती लोग हैं। फिर अंदर गई, कही क्या बात है? तो लड़कवा कहा कि पापा बहुत डर्टी एक औरत आई है, रो रही है, न सिपाहियों से हट रही है, हम ही माँ गए थे नहीं हटी। अच्छा, वह जमा समझ गया देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। वह गया, कहा कि तुम लोग यहीं रहो, सिपाही को हटा कर गया। कहा कि अरे तुम मानी नहीं, फिर आ गई, मैं डीएम ना हो गया हूँ, तुम्हारे यहाँ महीना में 50 रुपया 100 रुपया मनी ऑर्डर मैं भेज देता हूँ, तुम्हारा काम चल जाना चाहिए, क्यों आती हो? पढ़ाई से लेकर तक अभी तक मेरी इज्जत ही ले रही हो, आखिर मैं अब कलेक्टर हो गया हूँ, शादी किया हूँ बड़े घर की लड़की से ना, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी माँ है समझो, जाओ तुम। वह पूरी आँख से देख ली अपने लड़के को और चली आई घर पर। आ गई तो उसको सदमा लगा, एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके गांव के प्रधान को वह चिट्ठी लिफाफा पकड़ाई, एक लिफाफा में चिट्ठी एक लिफाफा में कुछ दी थी, कहा कि तुम दे देना, मैं आज कल में शरीर छोड़ दूंगी। उस समय टेलीग्राम होता था, टेलीग्राम कर देना। जब हमारा लड़का काम क्रिया करने आवे तो जानते हैं आप, लौ लश्कर आएगा, सुख सभा करेगा, तो उस लिफाफा ही दे देना। वही हुआ, बुढ़िया दो दिन के बाद मर गई। गांव वाला बड़ा मीटिंग किए कि भाई इसका लड़का तो डीएम है, अब क्या करें हम लोग, काम करिया कर दिया, टेलीग्राम कर दिया, डीएम साहब अपने माँ के लिए चल दिए, आए तो ठीक है, अपना लाओ लश्कर साथ आए ना, लेकिन अपने लड़के पत्नी को नहीं लाए। और शोक सभा किया कि बूढ़ी माँ मरी है, जो ही कुर्सी पर बैठे थे, अगल बगल से सब लोग बैठे थे, वो प्रधान दूगो लिफाफा पकड़ा दिया कि आपकी माँ यह आपकी थाती दे गई, उसमें लिखी थी कि बेटा मैं जन्म से कानी नहीं थी न काली कलूटी थी, तू जब जन्म लिया था दोनों आँख से सूर था, डॉक्टर कहा कि यह लड़का सूर हो जाएगा, अपना आँख दे देगा तो यह बच जाएगा, क्या करें, दाहिना आँख तुम्हारा बाप दे दिया और बाएं आँख मैं दे दी, दाहिना आँख तुम्हारा बाप दिया, उसमें इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन से तुम्हारा बाप मर गया। बाएं आँख मैं दी और हमें भी इन्फेक्शन हुआ, मैं काली कलूटी हो गई। लेबर मजदूरी करके मैं तुझे पढ़ाई हूं, अब हम तुम कलेक्टर बन गया है, तुम जितना पैसा दिया है वह पैसा और मैं मजदूरी का पैसा ये लिफाफा में दे दी हूं, इसको ग्रहण करो। लेकिन मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा लड़का किसी को ना हो। देखो, सुनते हैं कि वह डीएम जब यह पत्र पढ़ा तो घस्त खाकर गिर गया। अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुन गई खेत। तो देखो, तुम लोगों को भी मैं यहां कहने के कहकर जा रहा हूं, अपने माँ बाप के प्रति ऐसा मत करना। संत के आने से सत्संग सुनने का एक ही फायदा होता है,
अपने माँ को ही जो हम बताए थे दीक्षा में कि ब्रह्मा मानो और अपने बाप को ही शिव मानो। माता गौरा पार्वती पिता महादेवा, यदि यह तुम करेगा तब तुम लोगों को सत्संग सुनने का फायदा होगा और तब तुम्हारा कल्याण कल्याण होगा, अन्यथा हम लोग केवल प्रवचन सुनेंगे और हम लोग भी कथा कहानी कहकर चले जाएंगे। तो चलते चलते हम आप लोगों को यह वाणी समझा दिए और यह वाणी कहने में मेरी भी वाणी जवाब दे रही है। कहन सुनन को है नहीं समझन की यह बात, कुछ कुछ समझना चाहिए। तो इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। इनसे जब आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा तब गुरु की भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। जब तुम जानते हो दुर्योधन अपने माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाया, यह जानते हो सब लोग, जब कर्ण कहा कि अपने माँ से आशीर्वाद ले लो, पांडव लोग सबका आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं, पांडव लोग सबका आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं, युद्ध समा में खड़े हैं, शंख फूक चुका है और धर्मराज युधिष्ठिर मुकुट उतार दिए हैं, नंगे पैर हो गए हैं और हाथ जोड़कर जा रहे हैं भीष्म पितामह की तरफ। देखो दुर्योधन कह रहा है कि युद्ध समाप्त, हथियार डाल दिया धर्मराज, हथियार डालने का ही ना है स्वभाव कि नंगा पैर है, मुकुट नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है और हाथ जोड़कर जाकर सष्टांग प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह के यहाँ। देखो भीष्म पितामह अपने रथ से उतर कूदते हैं, बूढ़ा आदमी कूदता है और गोद में भर कर कहते हैं यशस्वी भवा पुत्र, विजयी भवा पुत्र। अब बताओ विजय कोई रोक पाएगा? समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री बद्रीनाथ धाम में 3 दिवसीय प्रेम साधना आयोजित की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय योग साधना शिविर में सम्मिलित होकर आप साधना एवं ध्यान की गहराइयों में डूबने की कला सीख सकते हैं तथा अपने आहार व्यवहार योग ध्यान के माध्यम से असाध्य रोगों से छुटकारा पाने की तकनीक भी प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में पितृ मोक्ष साधना एवं स्वर योग साधना का विशेष प्रशिक्षण दिनांक 27 व 28 सितंबर को सद्गुरुधाम आश्रम डुमरी वाराणसी में सर्व पितृ श्राद्ध साधना शिविर संपन्न होगा। इस 2 दिवसीय साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक साधक अपना निबंधन 25 सितंबर तक अवश्य करा लें। दिनांक 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सद्गुरुधाम आश्रम डुमरी वाराणसी में शरद नवरात्रि महापर्व के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव इच्छुक साधकों को स्वर योग साधना प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे साधक ध्यान की गहराइयों में उतरकर रोग मुक्त एवं समृद्ध जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। निबंधन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2019। संपर्क सूत्र 9968430203।